हेलो, कृष्ण वायो फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपको स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जो रेनू काउपी सीड है इसके बारे में, जो उसका इंटरनेशनल कंपनी का रेनू लुबिया का सीड है, कब लगाना है और कितना डिस्टेंस में लगाना है, कब फर्टिलाइजर देना है, लगभग हर जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। रेनू जो है वो ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल कंपनी का आर्ट लॉन्ग बीन सीड है, जो लुबिया का सीड बोलते इसको बोलते हैं। इसका फिजिकल प्योरिटी 98%, जर्मिनेशन 75%, जेनेटिक प्योरिटी 98%, जो उसका जर्मिनेशन है 75%, बहुत अच्छा इसका जर्मिनेशन है। अभी बात करेंगे जो रेनू सीड का उसका सीजन का बारे में। उसका सीजन है कारिफ, रोबी, लेट रोबी एंड समर में उसका कल्टिवेशन होता है आर लॉन्ग बीन का। उसका कल्टिवेशन लगभग हर स्टेट में होता है, लेकिन उसका रोबी सीजन में बहुत अच्छा फल होता है उसका कल्टिवेशन में। अभी बात करेंगे रेनू आर लॉन्ग बीन कौन कौन सा स्टेट में कल्टिवेशन होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, लगभग सभी स्टेट में उसका रेनू कल्टिवेशन होता है। उसका कल्टिवेशन का सही टाइम है नवंबर महीने से फेब्रुआरी महीने तक, तो उसका कल्टिवेशन करने का सही टाइम है विंटर सीजन में। अभी बात करेंगे रेनू का जो सीड है उसका प्लेन टू प्लेन डिस्टेंस कितना होना चाहिए। उसका प्लेन टू प्लेन डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक, तो उसका प्लेन टू प्लेन डिस्टेंस होना चाहिए। और उसका जो रो में आप 3 सीड एक साथ में एक लगा सकता है जो रेनू सीड है, एंड बहुत अच्छा कल्टिवेशन होता है विंटर सीजन में जो रेनू आर लॉन्ग बीन लोबिया बा बोरबोटी जैसा सीड है। रेनू हाइब्रिड सीड का प्राइस होता है जो 100 ग्राम का पैकेट मिलता है उसका प्राइस लगभग 120 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल मिलता है, जो उसका पैकेजिंग साइज 100 ग्राम मिलता है उसका प्राइस 120 रुपीज़ होता है। रेनू जो आर्ट लॉन्ग बीन है उसका फसल लगभग 50 से 60 दिन का अंदर उसका फसल मिल जाता है। अभी बात करेंगे जो रेनू आर्ट लॉन्ग बीन सीड है उसका नर्सरी बेड कैसे करना है। उसका जो नर्सरी बेड आप मिनिमम 12 आवर्स तक पानी में उस सीड को रखना है, उसके बाद आप कोई भी कपड़ा में 2 दिन रखने के बाद जमीन में लगा सकता है। और उसका जो जमीनों में कोई भी क्लोरोपोस जैसा ट्राइसेल एलर्ट कोई भी दे सकते हैं, मिनिमम 3 दिन से पहले उसका देना है। और जैसे फर्टिलाइजर देने के बाद भी आप रेनू फर्टिलाइजर सीड लगा सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर देने के बाद मिनिमम 3 डेज के बाद आप रेनू सीड लगा सकते हैं जो जमीनों में। रेनू सीड के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो का लाइक एंड शेयर करना।